दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो एग्ज़ाम डेट है क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे कमेंट्स किए थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी जेई के बारे में कुछ अपडेट हो तो बताइए। दोस्तों अभी तक मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं कोई फालतू की वीडियो नहीं डालना चाहता जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। जब मुझे कहीं से लिंकअप से पता चला कि हाँ ये एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं कब तक नहीं हो सकते, तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्ज़ाम डेट के बारे में, जेई एग्जाम डेट के बारे में, तो यहाँ पर दो फॉर्म निकल के आए थे, एक 2016 में निकला था और एक 2018 में। 2016 वाले का भी एग्जाम आज तक नहीं हुआ, 2018 वाले का भी एग्जाम आज तक नहीं हुआ, कब होगा? जो स्टूडेंट्स में फॉर्म अप्लाई किए हैं बहुत ही परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट जल्दी से जल्दी आए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत ही स्लो गति से कार्य कर रहा है इस समय। जितने भी एग्जाम प्रीवियस हैं अभी उनको भी नहीं करा पाया है, अभी 7 जून को एक एग्जाम था गन्ना पर्यवेक्षक का, वो भी पोस्टपोन हो गया है। वीडियो का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने ही लिया था, अभी उस पर केस चल रहा है। तो इन सब कामों में बहुत ज़्यादा यह व्यस्त है और बहुत ही धीमा आयोग है, बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं, मैं प्रीवियस वीडियो लाया था, मैंने कहा था जिसमें ये वैकेंसी आई थी, तो अब बहुत लोगों का गेस था कि इलेक्शन के पहले ही एग्जाम हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का। मैं वहाँ पर कह दिया था कि इलेक्शन के बाद ही होने की पॉसिबिलिटी है, इलेक्शन हो चुका बीत चुका लेकिन अभी भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो मैं फिर से पॉसिबिलिटी ही बताऊंगा। पॉसिबिलिटी ये है कि दोस्तों देखिए इन सब कार्य करने में, जो प्रीवियस एग्जाम कराने में, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जुलाई और अगस्त इन दो महीनों में तो इन दोनों एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मतलब आपके पास 2 महीना तक श्योर है कि 2 महीना तक कोई भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है यूपी ट्रिपल एससी जेई की। अगर होना होगा एग्जाम तो ये अगस्त के बाद ये दोनों एग्जाम होंगे और दोनों एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 2016 जेई का एग्जाम पहले होगा, 2018 जेई का एग्जाम बाद में होगा। अभी 2018 जेई का सिलेबस भी नहीं आया है, तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी 2 महीना आप सिक्योर रहिए, 2 महीना तक कोई एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम डेट की, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। इसके बाद ही सितंबर अक्टूबर में हो सकता हो कोई नई अपडेट लेकर आए। किसी तरह का कोई लिंक नहीं है जहां से ये पता लगाया जा सके कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम डेट होगा क्या। बस इतना पता चल रहा है कि जुलाई और अगस्त में तो नहीं होगा, 2 महीना आप सिक्योर रहिए, सितंबर अक्टूबर में हो सकता हो इनकी कोई डेट आ सकती है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन आ सकती है। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा वीडियो के तहत। आपके कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों, इसको आप अच्छे से, इस पर कोई भी अगर आपको दिक्कत अभी भी हो रही हो तो कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट के लिए हमेशा जीएसएस पर आपके बने रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।